ओके हाय एवरीवन। सो आज हमें एचसीवी का एक क्वेश्चन डिस्कस करना है, क्वेश्चन नंबर 70। सो इट सेज अ 5 mm हाई पिन इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। अ सेकंड लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द फर्स्ट लेंस एंड 55 सेंटीमीटर फ्रॉम द पिन। फाइंड द पोजिशन ऑफ द फाइनल इमेज, इट्स नेचर एंड इट्स साइज। सो वट इज गिवन, हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ आपको गिवन है कितना, 10 सेंटीमीटर, एंड इस कॉन्वेक्स लेंस से 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे हमारे पास एक पिन है। बेसिकली ये एक ऑब्जेक्ट है ना, पिन है, जिसकी हाइट आपको गिवन है, कितनी हाइट है, 5 mm। नाउ ये जो लेंस है, लेट्स से ये फर्स्ट वाला लेंस है ना, इस फर्स्ट लेंस से 40 सेंटीमीटर पे हमारे पास एक और लेंस है, इस तरह से एक और लेंस है। एंड ये वाला जो लेंस होगा ना, सेकेंड लेंस, ये भी कॉन्वेक्स लेंस होगा बिकॉज इसका जो फोकल लेंथ आपको गिवन है वो कितना है, 5 सेंटीमीटर, पॉजिटिव है फोकल लेंथ। इट मीन्स ये भी कैसा लेंस होगा, कॉन्वेक्स लेंस होगा। एंड जो डिस्टेंस है इस सेकेंड लेंस का है ना, इस सेकेंड लेंस का जो डिस्टेंस है पिन से वो कितना हो जाएगा, 15 + 40, दैट इज 55। सो ये जो डिस्टेंस निकल के आ रहा है बिटवीन पिन एंड द सेकेंड लेंस, ये डिस्टेंस है 55 और ये अरेंजमेंट आपको गिवन है। सो हमें बताना है कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो फाइनल इमेज होगी, उसकी पोजीशन क्या होगा, उसका नेचर क्या होगा, उसकी हाइट क्या होगी, राइट? सो क्या करेंगे, वही सिंपल सा जो प्रोसीजर है, पहले हम फर्स्ट लेंस की बात करेंगे। फर्स्ट लेंस से जो इमेज बनेगी, आप फर्स्ट लेंस को देखो, फर्स्ट लेंस के लिए ये आपका ऑब्जेक्ट है, राइट? ये आपका ऑब्जेक्ट है। सो u कितना हो जाएगा फर्स्ट लेंस के लिए, 15 माइनस 15 हो जाएगा, राइट? फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी फर्स्ट लेंस की, 10। सो बाय यूजिंग लेंस फॉर्मूला जो v आएगा, दैट इज सिंपली यू एफ डिवाइडेड बाई यू प्लस एफ। वैल्यूज पुट करो, u की वैल्यू माइनस 15, एफ की वैल्यू 10, डिवाइडेड बाई माइनस का 15 प्लस का 10। सो कितना निकल के आ रहा है, माइनस ऑफ 150 डिवाइडेड बाई माइनस 5, दैट इज बेसिकली 30। सो जो v का वैल्यू निकल के आ रहा है वो कितना है, 30। नाउ मैग्नीफिकेशन की बात करें, मैग्नीफिकेशन लेंस के लिए होता है v बाई यू, सो दैट इज v का वैल्यू प्लस का 30 डिवाइडेड बाई u का वैल्यू माइनस का 15, दैट इज बेसिकली माइनस का 2। माइनस क्या रिप्रेजेंट करता है, इमेज इन्वर्टेड होगी। 2 क्या रिप्रेजेंट करता है, जो इमेज की हाइट होगी वो ट्वाइस होगी ऑब्जेक्ट की हाइट के। इमेज ड्रॉ कर लो, यू नो एवरीथिंग, राइट? सो कितने डिस्टेंस पे, 30 प्लस का 30 मीन्स यहां से 30 पे जाओ, यहां पे इमेज बनेगी, ऊपर नहीं बनाना नीचे बिकॉज इमेज इन्वर्टेड है, और इस इमेज की जो हाइट लेना है वो डबल लेना है, 5 का डबल बेसिकली 10 mm, ये आपकी फाइनल इमेज बन गई। रे डायग्राम बनाना चाहते हो तो काफी सिंपल है, यहां से आपको पता है ये ऐसा जाएगा और ये फिर ऐसा जाके ऐसा कर दो, राइट? ये रे डायग्राम हो गया। नाउ ये जो आपका इमेज बना, ये फाइनल इमेज नहीं है, बेसिकली ये इमेज है, लेट्स से I1, ये इमेज बना है फर्स्ट लेंस से, राइट? नाउ ये जो इमेज बना है I1, ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा सेकेंड लेंस के लिए। नाउ इस I1 का जो डिस्टेंस है सेकेंड लेंस से, ये डिस्टेंस कितना निकल के आएगा, सिंपली 10, राइट? बिकॉज ये 30 है, टोटल कितना था, 40, दोनों लेंस के बीच में जो डिस्टेंस था वो 40 था, और फर्स्ट लेंस से I1 का जो डिस्टेंस है वो 30 है। सो I1 का जो डिस्टेंस होगा सेकेंड लेंस से वो होगा 10। नाउ ये आपके पास कुछ इस तरह से यहाँ पे सेकेंड लेंस है और ये आपका I1 है, इसकी जो हाइट है वो 10 mm है, इसका जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस ये 10 है, इसकी जो फोकल लेंथ है वो कितनी है, 5। सो इस लेंस के लिए u हो जाएगा माइनस का 10, f हो जाएगा प्लस का 5, सो v हो जाएगा यू एफ डिवाइडेड बाई यू प्लस एफ बाई यूजिंग लेंस फॉर्मूला। u का वैल्यू माइनस 10, f का वैल्यू 5, डिवाइडेड बाई माइनस 10 प्लस 5। सो सॉल्व करो, सो बेसिकली माइनस का 50 डिवाइडेड बाय माइनस का 5, सो बेसिकली कितना आ रहा है, ये माइनस से माइनस कैंसिल, 10। सो हमें v का वैल्यू पता चल गया 10। मैग्नीफिकेशन की बात करें, सो बेसिकली v बाय u, v का वैल्यू है 10, u का वैल्यू है माइनस 10, सो बेसिकली
माइनस का वन। माइनस का क्या मीनिंग है, इमेज इन्वर्टेड होगी, ये वाली जो इमेज है ना वो इन्वर्टेड होगी। और बेसिकली वन का जो मीनिंग है, वन का मीनिंग है कि आपका जो इमेज बनेगा उसका जो साइज होगा वो सेम होगा एज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो आप देखो इमेज बनाने के लिए पहले वी पे जाना है, वी प्लस प्लस का 10 है ना, सो इस डायरेक्शन में 10 सेंटीमीटर पे ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ क्यों, बिकॉज ये जो आपका ऑब्जेक्ट है ये नीचे की तरफ है, सो आप जो इमेज बनेगी वो इन्वर्टेड बनेगी, बेसिकली ऊपर की तरफ बनेगी और सेम हाइट की बनेगी, बेसिकली 10 mm की ही बनेगी। जो हाइट आपका ऑब्जेक्ट का है उसी हाइट की बनाना है। सो ये आपकी क्या है, फाइनल इमेज है, फाइनल इमेज। रे डायग्राम बनाना है, ऐसे करके ऐसे कर दो और एक रे ऐसे करके ऐसे कर दो, ये रे डायग्राम बन गया ना। सो ये जो फाइनल इमेज है इसकी हाइट कितनी है, 10 mm, राइट। इसका पोजीशन क्या है, जो आपका सेकंड लेंस है उससे 10 सेंटीमीटर, उससे 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। और क्या पूछा था, इमेज का नेचर। सो ये जो फाइनल इमेज बन रही है ये इरेक्ट बन रही है ना। अगर हम इसके साथ कंपेयर करें, आप देखो ये आपका जो ऑब्जेक्ट था ये ऊपर था और जो फाइनल इमेज बनेगी, बेसिकली जो इमेज है ना वो दो बार इन्वर्ट हो गई। सो बेसिकली फिर से इरेक्ट हो गई, फर्स्ट लेंस ने एक बार इन्वर्ट किया, सेकंड लेंस ने वापस इन्वर्ट कर दिया। सो इन्वर्ट, दो बार इन्वर्ट होने पे इरेक्ट हो गई वो, यहाँ से 10 सेंटीमीटर पे जाके ये आपकी फाइनल इमेज है 10 mm का, और ये आपकी इरेक्ट इमेज है। इसका नेचर क्या है, रियल इमेज है, है ना, रियल इमेज है। इस तरह से आप देखो ये आपकी रियल इमेज है, एक्चुअली रे मीट करेंगी ना इस पॉइंट पे। सो बस यही सब कुछ पूछा था, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड। कीप वर्किंग एट, बेस्ट ऑफ लक।